के शर्मा जी, आपका काम आसान होगा सर, क्योंकि 23 तेलंगाना, आगे नजर 24 के चुनाव पर, और ऐसे में कोई एक तो एक्सपोज होगा। अब वो AIMIM एक्सपोज होगी मुस्लिम वोट को लेकर, या फिर कांग्रेस एक्सपोज होगी, किसकी कमजोरी सामने निकल कर आएगी, उससे काम आसान होगा और उससे आगे 24 चुनाव की दिशा तय करने में भी आसानी होगी शर्मा जी? नहीं नहीं, 2024 का चुनाव तो स्पष्ट है। 2024 के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः सरकार बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ बैठे पॉलिटिकल पंडित जितना भी आकलन कर लें और कुछ भी कर लें, वो करते ही रहते हैं। हर साल 2014 में भी आकलन किए थे, 19 में भी बैठ के, और दोनों बार उनको जो है जनता ने जवाब दिया, जिनको भी दिया, विपक्ष को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया। रही बात, हमारा प्रयास 2024 में निश्चित, अभी वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव है तेलंगाना में, अभी बहुत सारी बातें कही गई कि इनको हटा दिया, उनको बैठा दिया, उन्होंने अपना वो कर लिया। ऐसा है, पार्टियां अपनी रणनीति रोमाना जी तय करती हैं, ये बैठ के कोई भी आकलन करे। हमने संजय बंडी जी को हटाया तो हमने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, और आज जितने यानी मेहनत के साथ में हमारे कार्यकर्ता और परिश्रम कर रहे हैं तेलंगाना के अंदर में, और यही परिश्रम के कारण हम लोकसभा में 400 सीटें जीत कर आए थे वहाँ पर, तो आज हम वहां पर फिर से सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जी। इनके लिए हो सकता है कि मुफीद ना हो, हमारे लिए मुफीद है, हमारे लिए अच्छा है, और हम इसको पूरा विश्वास के साथ चलते हैं। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, प्लीज सुन जी, बताइए। ये ज्यादा पता है आपको सवाल क्यों पूछा जाता है? अब आप आज इसका जवाब दे दीजिए। वो इस वजह से पूछा जाता है सर, क्योंकि बीजेपी जो हर मन से कह रही है ना कि साहब अगर तेलंगाना में हम चुनाव जीत जाएंगे तो फिर ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री की कमान देंगे। अब संजय बंडी तो सर ओबीसी समुदाय से आ रहे थे ना, जो संजय बंडी ओबीसी समुदाय से आ रहे थे उनको आप तेलंगाना में बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटा देते हैं, और आप किसको ले आते हैं? जी किशन रेड्डी को, जो ओबीसी समुदाय से नहीं है, इसलिए सवाल है सर। नहीं तो इसमें को नहीं, तो ओबीसी केवल वहां पर संजय बंडी जी है क्या? हाँ। और नेता नहीं है क्या हमारे? हाँ। हमने कहा है कि ओबीसी हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ। तो केवल एक व्यक्ति है क्या वहां पर? ये तो हमारी पार्टी का निर्णय होता है ना कि हम किसको प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, और फिर किसको, मतलब इसको इस तरीके से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सर आपके विरोधी इस बात को हाईलाइट करते हैं, सर इस बात को हाईलाइट करते हैं आपके विरोधी, इस वजह से ये स्पष्टीकरण देना जरूरी था। अब आइए डॉली जी, आइए प्लीज। बता दिया मैंने जी रोमाना जी, आमतौर पर कोई व्यक्ति अगर लगातार जनता के मुद्दे उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है, तो उसे रिवॉर्ड मिलता है ना। अब यहाँ पर बीजेपी, क्योंकि उसे BRS को सपोर्ट करना है और लगातार वो दिख रहा है, चाहे के कविता के डिसीजन में देख लीजिए, चाहे यहाँ हुशराबाद में किस तरीके से कैंडिडेट उतार कर इन्होंने BRS ने बीजेपी की मदद की, वो भी सबने देखा है यहाँ। तो ये जो इनका साथ हो रहा है, हाथ को हाथ देने की बात हो रही है, ये जो यहाँ कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। रिवॉर्ड की जगह है, बंडी संजय को क्या मिला है वो सबने देखा। बीसी मुख्यमंत्री की ये बात करते हैं, आपने खुद ही कह दिया, तो हम तो कह रहे हैं कि इनके पास यहाँ कुछ नहीं है, सड़क पर इनका एक पोस्टर भी नहीं है। ये बड़ा दिलचस्प है, मुझे लगता है जरा सा कृषांक के पास हम चलते हैं। कृषांक, ये चुनाव जो है, अलग अलग राज्यों में हम चुनाव देख रहे हैं, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा चुनाव है जहां एक दल सामने आता है और वो बताता है कि साहब हम ही सिर्फ अलग हैं, बाकी ये जितने हैं सब मिले हुए हैं। मतलब बीजेपी आती है वो कहती है कांग्रेस और BRS मिले हुए हैं, कांग्रेस आती है वो कहती है BRS बीजेपी मिले हुए हैं, मतलब हर कोई खुद को अलग बता रहा है और बाकी सबको मिला हुआ बता रहा है। चक्कर है क्या तेलंगाना में? आधे समाचार से दिल्ली में बैठे हुए बात कर रहे हैं रोमाना जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे। एक बात बताऊं, तब से मुशीराबाद का सुन रहा हूँ। मुशीराबाद एक समय पे लक्ष्मण जी जो उनके राज्यसभा के, सुनिए, तेलंगाना में बैठी हूँ, ठीक है, सुनिए तो सही। डॉली जी आगे, आपका पॉइंट आ गया, और डॉली जी भी वहीं बैठी हुई है तेलंगाना में। चलिए इस तरीके की बातें, मत करिए, कटाक्ष मत कीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं नहीं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बता रहे, ठीक से तो बता दीजिए, नाम बता दीजिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है? रुद्राबाद सर, नाम ने क्या रखा है? आप मेरे सवाल का जवाब दो ना। बीजेपी के MLA है, बीजेपी के MLA, और हम उसको हराने वाले। आपने किनको दिया है टिकट? एक बच्चे को टिकट दिया है BRS ने, चुनाव में आप डिसाइड करेंगे बच्चा है कि बेबच्चा है,
आप डिसाइड करेंगे हमारे कैंडिडेट के बारे में, बच्चा आए कि नहीं है। बच्चे तो सिर्फ तेलंगाना में केसीआर के फल और फूल रहे हैं, तेलंगाना के बच्चों का कुछ नहीं। और अगर बच्चे कहीं आधे समाचार से बात मत करिए, केसीआर की कैमली कैमली फल और फूल रहे हैं। मैं तो पूरे समाचार लेकर बैठी हूँ। ठीक है, अब आ जाइए कृषांत जी, अब जवाब दे दीजिए। ठीक है डॉली, ठीक है डॉली, आपने जवाब दे दिया। रोमाना जी, ये गांधी खानदान, कृषांत आइए, ये वंशवादी कांग्रेसी, ये वंशवादी कांग्रेसी एक दूसरे वंशवादी पर आरोप लगा रहे हैं। की जगह आप थोड़ी जवाब देंगे, बीआरएस को जवाब देने दीजिए। आइए कृषांत जी, आइए, मुझे इसमें रहा हूं मैं। रोमाना जी, हम दक्षिण के लोगों को बहुत कम चैनल पे देखिए, हम बीआरएस को बोल रहे हैं, दर्द बीजेपी को हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सब अपनी अपनी बात पर, यहाँ पर अपनी अपनी बात रख दीजिए। ठीक है, चुनाव मैदान में आरोप लगाइए, आप कौन किसके साथ मिला हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।